मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम के गोदाम में रखे एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख। शामली में 8 अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनीज के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कुशीनगर में युवती का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल। युवती के ऊपर नोट बरसाते दिख रहे लोग। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत का है वायरल वीडियो। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से की कार्रवाई। अतिक्रमण की वजह से राजधानी मार्ग पर लगता था जाम। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। गाजियाबाद में छात्र की मौत के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से हटे परिजन। पुलिस ने परिजनों को 3 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर जारी रहेगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के दिए आदेश। 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। मायावती ने की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित हो रहे गरीब। कहा, देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा। सरकार को दी सलाह। समाजवादी पार्टी में जारी है बगावत का दौर। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने छोड़ी पार्टी। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मौर्य सैन्य और कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का शिवपाल के भाजपा में होने वाले बयान पर शिवपाल यादव का बयान। कहा, चाहे तो पार्टी से निकाल दें। गैर जिम्मेदाराना है अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल। आजम खान के सवाल पर बोले शिवपाल, उनके साथ लगातार हो रहा है उत्पीड़न। आजम से मिलने जाएंगे सीतापुर से। देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं।